हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे भूगोल के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस और उसके आंसर। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो आंसर है मकरान तट, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि लेखा इंटरनेशनल लाइन डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष में हुआ? तो 1894 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? उत्तर है नागपुर में। चौथा प्रश्न, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश पहले सियाम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड। भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। क्वेश्चन, बेरूत किस देश की राजधानी है? आंसर है लेबनान की राजधानी है बेरूत। अगला क्वेश्चन, भारत मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्व किस देशांतर का समय है? देशांतर का समय है, आंसर है 82/1/2E का। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो पामिर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारे मरकरी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, यूथ किस जनजाति का घर है? किर्गिज का। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग भागीरथ तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, रेगुर क्या है? आंसर है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय दर्शाता है? मिर्जापुर 82.5 पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय की जानकारी एकत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? कोरल निमती प्रवाल द्वीप। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अमेरिका सबसे आयातक देश है।
अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो सौरमंडल में। अगला क्वेश्चन, विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता थे? अनजी मेंडर। अगला क्वेश्चन, दंड कार्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यूक्रेन में। अगला क्वेश्चन है, दंड कार्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हबोल्ट धारा किस तट के पास होकर गुजरती है? तो हबोल्ट धारा दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिम घाट के पास होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटवर्ती स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? फिलीपींस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा। अगला क्वेश्चन, त्रानेर देश में स्थित है? थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय भाग। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ऋषि में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान है। भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो आंसर है 6378 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा था? भू वितरणिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी किन किन देशों से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पर प्रदर्शित वरेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम्य स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? अभिगम्यता समान रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कांस के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? फिरोजाबाद यूपी में। अगला क्वेश्चन है, बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखानों किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है, मूक घाटी परियोजना किन राज्यों में स्थापित किया गया? तो केरल राज्य को। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे पहला सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो रानीखेत चेन्नई में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? चितरंजन में। अगला क्वेश्चन है, हल्दिया तेल शुद्ध कारखाना किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? चितरंजन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जौनसारी खरवार थारू जातीय मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? उत्तराखंड में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एवं स्टील किस क्षेत्र की कंपनी है? प्राइवेट सेंटर की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, नेवेसी लिग्नाइट निगम लिमिटेड किस राज्य से लिग्नाइट निकाला जाता है? तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो स्ट्राबोली ज्वालामुखी को पुकमेग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से, मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो डेटा एट में है। अगला क्वेश्चन से, हिमालय की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देव घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन से, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है? तो आंसर है बेरिंग जेड मड जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन से, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाले दर्रा कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन, देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन, बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता क्या कहलाता है? तो बांगर मैदान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील लेगुन झील है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है वह चिकुड़ती है? तो चिकनी मिट्टी जरा ज़्यादातर दरार आती है और वह चिकुड़ती है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी के बीच से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो नीलगिरी में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन, एलएसपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, कल्पक्कम और तारापुर कर्मस कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, बेला डीला किस एस के लिए प्रसिद्ध है? लो एस के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? बेंगलुरु के पास बसा हुआ है। अगरतला की किस राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा की। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? 7% शीतोष्ण वन है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? जायरे। अगला क्वेश्चन, इराक का पुराना नाम क्या है? तो इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। अगला क्वेश्चन, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वारसा किस देश की राजधानी है? तो वारसा पोलैंड देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2280 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवन क्षेत्र है? तो 132,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन, भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा। अगला क्वेश्चन, नेपाल किस राज्य का पुराना नाम है?
नेपाल, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। भलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा बहु परियोजना नदी घाटी की परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? थैल्स ने। अगला क्वेश्चन, भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था? सार्स कोरिया, साल्स कोरिया। अगला क्वेश्चन, खगचंद जैंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गंगटोक सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, विश्व में अंगूर उत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालक का विकसित अवस्था में है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूना का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानवता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, जिसे जनवरी फरवरी की ऋतु होती है सी। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, टोडा गोंड भील तथा गोरो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड सबसे बड़ी जाति है। अगला क्वेश्चन, प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ठंडी एवं गर्म जल धाराओं के मिलन स्थल पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आंसर है इरेटा स्थेनिज ने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, बरमूडा त्रिकोण अवशिष्ट है उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने संक्षेप में स्थानों का उसके अक्षांश पर देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? मैरी नस ने। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर उठने वाली तूफानी शुक्रवार को क्या कहते हैं? टोर्नेडो कहते हैं। अगला क्वेश्चन, महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसी सक्रिय और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं जलमग्न कटक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनगंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर ऊंचाई है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।